गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 7। स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट अ स्टोरी विच इज रिटन बाय द राइटर ऑन इट्स ओन, जैसन हो। जैसन हो राइटर है, राइटर्स नेम है, और इन्होंने एक द स्ट्रेंजर करके चैप्टर है आपके लिटरेचर बुक में, इसको इन्होंने लिखा है जैसन हो ने। तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्ट्रेंजर नाम क्यों पड़ा। स्ट्रेंजर इन द सेंस, ये कहानी एक समराइज मैनर में हम आपको बता रहे हैं कि ये कहानी उस वक्त की है जब जैसन हो जब छोटे थे, बच्चे थे और थोड़े बड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना जरूर कि वो समझ सके, भले और बुरी बातों को अच्छे तरह से जान सके। तो बचपन की ही एक तरह की कहानी इनका जैसन हो का। उन्होंने अपने ये स्ट्रेंजर टाइटल इसीलिए दिया था कि ये कहानी ऐसा है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर, वो दोनों अलग अलग कल्चर के रहते हैं। मतलब एक इनके जो ग्रैंडफादर थे यानी जैसन हो के जो दादाजी थे वो चाइनीज थे, और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ब्रिटिश मतलब अमेरिकन थी। तो चूंकि दो कल्चर चाइनीज और इंग्लिश दोनों का मिलना, तो एक अलग अलग कल्चर है। मम्मी अगर दूसरे कल्चर की हों और पापा दूसरे कल्चर के हों तो डिफरेंट तो होता ही है। तो यही कहानी है। स्ट्रेंजर यहाँ पर इस बात का मीनिंग दिखा रहा है कि जो इनके जो जैसन हो के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो बचपन वो चाइनीज थे, और इनकी जो दादी थी वो इंग्लिश थी मैन, और दोनों का जो है दोनों की शादी हुई थी डिफरेंट कल्चर से, और उनसे जो इनके मम्मी जो इनके पापा हुए और फिर उनका जो कल्चर हुआ। तो इस तरह से इन्होंने इस कहानी में यह दिखाया गया कि कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे जब वो इनके दादाजी जब वापस आते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर किस तरह से ये जो जैसन हो है, एक मतलब दो कल्चर होने के कारण इनके पापा का यानी जैसन हो के जो फादर थे उनसे, उनके अपने पापा से दूरी बनी हुई रहती है, हाँ डिफरेंसेस रहते हैं, क्योंकि वो चाइनीज कल्चर से बिलोंग करते थे, ये अपने कल्चर से बिलोंग करते थे। तो उस सेंस में इनको जो है ज़्यादा परेशानी हुई, और उसी में इस कहानी में किस तरह से वो कैसे अपने दादा से और अपने फादर के बीच के डिफरेंस को ये कम करते हैं, ये सारी कहानी उसी पर आधारित है। ठीक है, तो वन में बिलोंग टू ए डिफरेंट, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, वन में बिलोंग टू ए डिफरेंट, इसका मीनिंग आप समझेंगे। वन में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी अगर कोई भी जैसे चाइनीज हुए चाहे अमेरिकन हुए, कोई भी है, अलग अलग कल्चर है, ठीक है कल्चर अलग हो, अगर पहनावा बियर डिफरेंट यानी पहनावा भी अलग हो कपड़े का, हाँ अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर आते हो, मतलब हर चीज़ में अलग अलग है, कल्चर में अलग हो चाहे कपड़े में अलग हो या बैकग्राउंड अलग अलग हो, लेकिन जो फीलिंग्स होती है यानी जो हमारा फीलिंग्स होता है वो चाइनीज या इंडियन या अमेरिकन नहीं होता है, वो फीलिंग्स सब में एक ही तरह का होती है। अगर हम खुश होते हैं वो फीलिंग्स हमारा हर कल्चर में एक ही तरह आता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होती है। इसीलिए लिखा गया जो फीलिंग्स होती है अपनापन का, वननेस का, दैट ब्रेक्स ऑल बैरियर्स। जो अपनापन या वननेस क्या हो गया, अपनापन का जो फीलिंग्स होती है अपनापन की, वो ब्रेक्स मतलब तोड़ देता है ऑल बैरियर्स, मतलब जितने भी बंदिशें हैं। बैरियर्स में क्या होता है, बंदिशें, सारी बंदिशें इसीलिए तोड़ देती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि उस बंदिश में हम अपने फीलिंग्स के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, चाहे मम्मी पापा हो या पापा और दादाजी हो, सभी एक जगह आ जाते हैं। तो इस कहानी में ही दिखाता है कि जब जैसन हो के पापा जो है और उनके अंकल बहुत छोटे रहते हैं, उस वक्त उनके पापा यानी जैसन हो के ग्रैंडफादर चाइना में रहते हैं, ठीक है, और चाइना में रहते हैं, और उस समय
इनके जो पापा थे जो आपको ये ग्रैंडफादर जो थे वो वर्ल्ड वार टू में ये जनरल पोस्ट पर थे, चाइनीज आर्मी के तरफ से लड़े थे, क्योंकि चाइनीज थे तो चाइनीज आर्मी के तरफ से लड़े। और जब लड़े और जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो गया टू, तो उस समय जैसल हो और उनके जो अंकल थे छोटे थे, तो इनके पेरेंट्स क्या किए कि चल दिए वहाँ से, यानी इनके पापा चल दिए वहाँ से चाइना से, और उनको जाना था अदर ताइवान कंट्री में जाना था, ताइवान जाना चाह रहे थे ये लोग, छोड़कर चाइना जाना जा रहे थे ताइवान की तरफ। कौन? जैसल हो के दादाजी। तो जब ताइवान की तरफ जा रहे थे अपने सभी परिवारों को लेकर, जैसल हो को भी, उस समय छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो उसी समय कुछ सोल्जर्स चेकिंग कर रहे थे, और चेकिंग करने के दरमियान पाते हैं क्या कि देखते हैं कि अरे ये तो ये लोग जा रहे हैं, चलो इनको हम थोड़ा चेक कर रहे थे कि कौन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इधर खुद जनरल रहे हैं तो उनको ज़्यादा देखते नहीं है, मतलब उनको चेकिंग नहीं करते, उनको जाने देते हैं बोर्ड पे। और लास्ट सीट से ये लोग बैठ के, बचपन की बात है, जैसल हो की बचपन की बात है, ये लोग ताइवान चले जाते हैं, ठीक है ना। और ताइवान जाने के बाद फिर वहाँ से फिर अमेरिका की तरफ आना आता है। तो किस तरह से कहानी है वो देखते हैं। हाउ यंग जैसल ब्रेक्स ऑल बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। तो जब दादाजी, यानी बहुत दिनों के बाद जब उनके दादाजी जब अमेरिका आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि दादाजी का ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं, और उनको तो चाइनीज़ लैंग्वेज में इनके पापा, जैसल हो के पापा अपने पापा से बात करते हैं, ठीक है। तो बट नेचुरल है कि चूंकि जैसल हो के ग्रैंडफादर चाइनीज़ थे, तो थोड़ा सा लैंग्वेज के कारण दूरी बनती थी, लेकिन फीलिंग्स तो अपनापन था कि भाई हमारे दादाजी। तो उस तरह से जैसल जो क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि अपने पापा के से बोलते हैं कि पापा आप क्यों नहीं बात करते हैं उनसे, अपने पिताजी से बात कीजिए, उनसे आप थोड़ा सा इंटरेक्शन होइए। तो क्रिसमस का दिन रहता है, तो क्रिसमस के दिन के बात होती है कि क्रिसमस में सभी कोई अपना सेलिब्रेशन करते रहते हैं, तो उसी सेलिब्रेशन में क्या करते हैं इनके पापा जो है, जैसल हो के पापा जो है उनको देते हैं गिफ्ट में, क्या देते हैं ये देखिए, हेडसेट देते हैं, हेडसेट गिफ्ट में देते हैं, ठीक है, हेडसेट गिफ्ट में देते हैं, और बोलते हैं कि पापा लीजिए। तो वो समझ नहीं पाते, तो फिर उनकी जो ग्रैंड मदर है वो चाइनीज़ भाषा में वो टेप देती हैं, जिससे उसमें लगाकर हैंडसेट वो चाइनीज़ भाषा में सुन सके दादाजी, और तो दादाजी को अच्छा लगता है। तो क्रिसमस डे पर ये चाइनीज़ चेस जो आ रहा है, हमने लिखा है इसीलिए कि ये चाइनीज़ चेस जो है वो जैसल हो को इनके ग्रैंडफादर इनको देते हैं गिफ्ट, किलो चाइनीज़ चेस। क्योंकि चाइनीज़ चेस रहता है उसका लैंग्वेज कुछ अलग रहता है, तो जैसल हो को समझ में नहीं आता है, तो ठीक है उसको रख लेते हैं, ऐसा नहीं कि डिनाई करते कि नहीं दादाजी हम नहीं लेंगे, वो रख लेते हैं। ग्रैंडफादर सर्व्ड एज जनरल इन द चाइनीज़ आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये तो हमने बता ही दिया कि जैसल हो के जो ग्रैंडफादर हैं वो सर्व किए थे किस रूप में, जनरल में, हाँ चाइनीज़ आर्मी में वर्ल्ड वार टू के समय। और हाउ एस्केप, मतलब किस तरह से वो बच के निकलते हैं वहाँ से, चाइना से ताइवान की तरफ जाते हैं, वही जहाज के जरिए, जहाज पर सब कोई सवार हो जाते हैं और चले जाते हैं उससे। ये तो क्रिसमस डे तो मना लिए, जिसमें हैंडसेट देते हैं जैसल हो के पापा अपने पापा को, यानी उनके ग्रैंडफादर को हैंडसेट देते हैं, कब, क्रिसमस डे पर। अब आगे कहानी क्या होती है, फरवरी द मंथ ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। ये चाइनीज का जो नया साल मनाया जाता है वो फरवरी मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या करते हैं, सभी कोई ग्रैंडफादर को बैठा के वहाँ से वहाँ पर शिकागो में ले जाते हैं उनको वहाँ घुमाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद उनके ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि ठीक है हमारे कल्चर को भी इन लोगों ने अडॉप्ट किया, क्योंकि मैं चाइनीज़ हूँ तो मेरे बेटे ने भी, यानी जैसल हो ने भी इस बात को अडॉप्ट किया। और ये अडॉप्ट करने के पीछे क्या सेंस था, जो जैसल ने ही, यानी जैसल हो ने अपने पापा को
इनकरेज किया कि आप अपने पापा से एक अच्छा रिलेशन बनाइए, वो चाइनीज है तो क्या हुआ, उनका रिलेशन उनकी फीलिंग्स को आप बनाइए। और इस तरह से उनके पापा यानी जैसा उनके पापा में और उनके पापा में बहुत अच्छी मतलब कम्युनिकेशन हो जाती है और इस तरह से सब एक दूसरे से अच्छे खासे से मिल जाते हैं। यही कहानी का इसमें सार है। तो मैंने इसलिए इस चैप्टर को सेलेक्ट किया है कि आपका जो इसका पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो इसका आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड वैसा नहीं होगा और आप लोग इसको अपने ढंग से तैयारी कर लेंगे और फिर अदर चैप्टर के लिए फिर आपको देंगे। क्योंकि समय का अभाव है इस कारण से मैंने इस चैप्टर को सेलेक्ट करके और जो भी होता है उसको मैंने पूरा किया है। तो वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेल गुड बाय एंड थैंक्स फॉर दिस।